जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक अफ़गानी सलवार कटिंग और स्टिचिंग कटिंग करना और सिलाई करना इस वीडियो में बता रहा हूँ। अफ़गानी सलवार कटिंग और स्टिचिंग करने के लिए जो कपड़ा हमने लिया है, ये कपड़ा 2.25 मीटर है और ये कॉटन फैब्रिक है। देखो, इस 2.25 मीटर कपड़े को ऐसे डबल करके हमने फ़ोल्ड कर लिया है और अब इसको 4 लेयर में फ़ोल्ड करना है। इसको 4 लेयर में ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से 4 लेयर में इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। देखो, बंद वाला जो साइड है वो अपने तरफ रखना है इधर, और ये ओपन वाला जो खुला हुआ साइड है वो इस तरफ रखना है। ठीक है, ऐसे। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से एक स्ट्रेट मार्क लगाना है, कपड़े को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से कमर में इलास्टिक लगाने के लिए मार्जिन रखेंगे, तो मार्जिन यहाँ 2 इंच रखेंगे हम। 1.5 इंच का इलास्टिक आएगा तो मार्जिन हमने रखा 2 इंच। अब इस वाले मार्क से सभी मार्क लगाना है। इसका हम आसन का मार्क लगाएंगे, क्रॉच डेप्थ का। तो हिप है 40 इंच, 40 का चौथा हिस्सा करेंगे 10 इंच और 3 इंच प्लस करके 13 इंच पे क्रॉच डेप्थ का मार्क लगाएंगे, आसन का मार्क। अब लेंथ, लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो देखो, लंबाई है 37 इंच, 37, लेकिन ये अफ़गानी सलवार है तो इसका बॉटम में मोहरी में हम 1.5 इंच का अलग से पट्टी लगाएंगे। तो जब हम 1.5 इंच का अलग से पट्टी लगाएंगे तो लंबाई बढ़ जाएगा, तो वो लंबाई यहाँ से माइनस करना होगा। जैसे लंबाई 37 है तो देखो ये 37 हो गया, लेकिन अब क्या करना है, यहाँ से हम जितने इंच का भी नीचे पट्टी लगाएंगे उतना माइनस करना है। ठीक है, तो जैसे हम इसमें 1.5 इंच का पट्टी लगाएंगे तो देखो ये 1.5 इंच का पट्टी हो गया, ये 1.5 इंच पट्टी लगाएंगे तो ये 1.5 इंच उसका माइनस कर लेना है। ये 1.5 इंच माइनस हो गया और 0.5 इंच ये सिलाई का मार्जिन। मतलब ये है कि जितने इंच का भी आप पट्टी लगाओगे उतना माइनस करके 0.5 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। तो जैसे 1.5 इंच है पट्टी आएगा तो 1.5 इंच यहाँ आ रहा है और ये 0.5 इंच सिलाई का मार्जिन। ठीक है, अब ये लंबाई जो है ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, ये फिक्स आएगा। अब इस मार्क को भी स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ स्ट्रेट जो है इसका सीधा ये है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ सीधा मार्क लगाओगे तो क्या होगा, आसन में यहाँ ऊपर की तरफ खींच लेता है, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ इसे 0.5 इंच क्रॉस कर देना है। ठीक है, इस तरह से नीचे बॉटम मोहरी में 0.5 इंच इसको ऐसे क्रॉस करके मार्क लगाना है। यहाँ आप 0.5 इंच ऐसे क्रॉस कर दोगे तो फिर यहाँ खींचेगा नहीं, ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो इस तरह से मार्क लगा लेना है। इस तरह मार्क लगाने के बाद अब देखो, अब यहाँ आना है और यहाँ से हिप को 4 से डिवाइड करना है। हिप 40 इंच है, चौथा हिस्सा 10 इंच, 10 चौके 40, और यहाँ से 3 इंच लूजिंग रखना है, 3 इंच प्लस करना है। ठीक है, ऐसे। अब ये टोटल जितना है उतना ही यहाँ मार्क लगा लेना है ऐसे। और अब यहाँ से प्लस करेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच ऐसे बढ़ा देना है और यहाँ से इसको ऐसे गोलाई कर देंगे। अब यहाँ आना है और इसका मोहरी बॉटम है 14 इंच, तो यहाँ से ऐसे 14 इंच पे मार्क लगा लेना है। अब देखो, 14 का आधा होता है 7 इंच। ठीक है, ये 7 इंच होता है, लेकिन ये अफ़गानी सलवार है तो यहाँ प्लीट्स आएगा। तो क्या करना है, जितना मोहरी है उतना ही मार्क लगाना है। जैसे कि 14 इंच मोहरी है तो यहाँ 14 इंच हमने ऐसे मार्क लगा लिया और यहाँ इसमें ऐसे मार्क लगा लेना है। ऐसे मार्क लगा लेना है। अब ये मार्क कंप्लीट हो चुका है, इसको कटिंग करते हैं।
तो अब ये कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसको स्टिचिंग कैसे करना है, अब इसको सिलाई करने के लिए देखो इसको ऐसे खोल देना है। यहाँ से इसको आधा इंच मार्जिन पकड़ के सिलाई करना है और फिर यहाँ से इसको आधा इंच मार्जिन पकड़ के सिलाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ इसको सिलाई करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ हम इलास्टिक लगाएंगे, ठीक है। तो इलास्टिक लगाने के लिए क्या करना है, देखो इलास्टिक लगाने के लिए इसको जो है पहले इसमें 2 इंच का मार्जिन है तो यहाँ से ऐसे देखो 2 सूत ऐसे फोल्ड करके पहले सिलाई कर लेना है ऑल राउंड। उसके बाद अब यहाँ से 2 सूत ऐसे सिलाई करने के बाद फिर अब यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे फोल्ड करने के बाद देखो यहाँ से 1.5-3 इंच गैप छोड़कर इसको पूरा सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको स्टिच कर लिया है और देखो यहाँ 2.5 इंच का गैप छोड़ा है, यहाँ से हम इलास्टिक लगाएंगे, ठीक है। ये देख लो, अब ये इलास्टिक है, ये 1.5 इंच का इलास्टिक है, इसका चौड़ाई 1.5 इंच है। अब ये इलास्टिक कितना कट करना है, तो इसका कमर का मेज़रमेंट है वेस्ट का 34-34 इंच। तो जितना भी कमर है उसमें 4 इंच या फिर 3 इंच माइनस कर लो, 3 से 4 इंच माइनस कर लेना है, ठीक है। तो इसमें हम 3 इंच माइनस करेंगे, देखो 3 इंच ऐसे माइनस कर देना है। 4 इंच भी करोगे तो चलेगा और 3 भी करके चलेगा, तो 3, 3.5, 4 ये आप माइनस कर सकते हो। तो हम यहाँ 3 इंच माइनस कर रहे हैं और ऐसे 3 इंच माइनस करके ये देखो वेस्ट है 34-34 इंच, तो ये है 34 इंच, ऐसे कट कर लेना है। और अब इलास्टिक लगाने के लिए ये एक सेफ्टी पिन है, इस सेफ्टी पिन की मदद से हम इलास्टिक लगाएंगे, देखो इसको ऐसे। अब क्या करना है, देखो इसके ऊपर 2 सूत ऐसे चढ़ा कर रखना है और इसको सिलाई कर लेना है, पूरा टक्की लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो खुला हुआ साइड है इसको सिलाई करके बंद कर देना है, है ना। तो ये देखो इस तरह से यहाँ हमने इसको बंद कर दिया है। अब क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे खींच कर ये जो चुन्नट है पूरा वो सब तरफ बराबर आना चाहिए, ऐसे जब इसको टानोगे तभी अपने आप। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक बीच में एक सिलाई लगाना है, इसको ऐसे खींचना है और बीच में एक सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से यहाँ बीच से हमने एक स्टिच लगा लिया है, सिलाई कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो ये मोहरी है बॉटम, अब ये जो नीचे बॉटम मोहरी वाला साइड है इसको क्या करना है, देखो यहाँ से साइड से 1.5 इंच और यहाँ से भी दोनों तरफ से 1.5-1.5 इंच छोड़ के इसको ऐसे प्लीट बैठाना है, ठीक है। इसको ऐसे 2 सूत पकड़ना है तो 1.5 इंच हो जाएगा, 1.5 इंच का एक प्लीट और फिर 1.25 इंच का गैप, ऐसे 1.25 इंच का गैप छोड़कर ऐसे प्लीट ऐसे पूरे में प्लीट बैठा लेना है, ठीक है। चलो मशीन में मैं आपको ये प्लीट बैठा के दिखाता हूँ और इसमें पट्टी लगा के दिखाता हूँ। यहाँ देखो यहाँ साइड से 1.5 इंच हमने छोड़ दिया है, अब इसको ऐसे प्लीट बनाना है। यहाँ से 1.25 इंच का गैपिंग रखना है और ऐसे 2 सूत पकड़ना है तो 1.5 इंच हो जाएगा, इसको ऐसे कर करके प्लीट बना लेना है, ठीक है। देखो ये 15 इंच है, 14 इंच मोहरी है और ये 1 इंच मार्जिन आ जाएगा, दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई पकड़ेंगे तो ये 15 इंच है, ठीक है। 14 इंच मोहरी है और ये 15 इंच है तो 1 इंच एक्स्ट्रा रहना चाहिए, तो ये बराबर है। अब क्या करना है, अब देखो ये हमने ये 1.5 इंच का बुकरम है,
इसको हमने इसमें पेस्टिंग कर लिया है, और पेस्टिंग करने के बाद यहाँ से आधा इंच ऐसे फोल्ड किया है, और ये फोल्ड करने के बाद फिर यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड किया हमने, देख लो, और फिर यहाँ से एक तीन सूत का मार्जिन रख के इसको कट कर लिया है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ऐसे कपड़े को खोलना, इसके ऊपर इस पेस्टिंग को आयरन प्रेस से चिपका लेना है, यहाँ से आधा इंच ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद फिर से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, और ये तीन सूत का कपड़े में मार्जिन रखकर कट कर लेना है। ठीक है, अब ये वाला जो लैस है इसको भी हम इसमें लगाएंगे। अब देखो ये सीधा साइड है और ये उल्टा है। ठीक है, तो जिस तरफ उल्टा है उधर से हम सिलाई करेंगे। ये देखो ये रॉन्ग साइड है, अंदर का साइड है, ये उल्टा साइड है। उल्टे साइड की तरफ से इसको ऐसे, इस तरह से ये ऐसे इस तरह फोल्ड हो जाएगा ये, और ये फोल्ड होने के बाद ये जो हमारा लैस है इसको आप ऊपर से भी लगा सकते हो और अंदर से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको हम अंदर से लगाएंगे, इसको यहाँ ऐसे रखना है, और ये इसके ऊपर ऐसे रख कर इस तरह करने के बाद अब इसको यहाँ से ऐसे बराबर करके कट कर देना है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर देना है, और यहाँ से मोहरी मेजरमेंट कर लेना है। तो हमारा मोहरी है 14 इंच। ठीक है, तो ये देखो ये 7 इंच पर ऐसे मार्क कर लेना है। ठीक है, और यहाँ इसको जॉइंट में जॉइंट मिलाकर, और यहाँ से भी इसको ऐसे बराबर रखकर, तो ये है दोस्तों अफ़गानी सलवार, जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कटिंग करने से लेकर सिलाई करने तक का पूरा प्रोसेस बताया है। वीडियो को लाइक कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर देना।